बड़ी वल्नरेबल है जी जगह, और आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। रोड वाइटनिंग का शायद ये प्रपोजल बना भी है और इट इज एट द एडवांस स्टेज एंड वी होप कि आपकी इंटरवेंशन से ये जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए। एग्रीकल्चर एरिया है, गरीब और बड़ा पसमानदा एरिया है। मैं ये चाहूंगा इंपॉर्टेंट एजेंसी एग्रीकल्चर कॉस्ट शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज का, जहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र की, तो ये मुझे लगता है वो एजेंसी को दैट नीड्स टू बी डायरेक्टेड पर्टिकुलरली, क्योंकि उनका मैंडेट है, मैंडेट उसमें पोस्ट हार्वेस्ट, एक सेकंड प्लीज, उसमें मैंडेट पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का। और मैं, हमारी यहाँ महिलाएं इतनी बेचारी गरीब है, मतलब दो वक्त का खाना नहीं है, उनकी कोई स्किल डेवलपमेंट हो वो, अच्छा फिर हार्वेस्टिंग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी उनको अगर आ जाती है, जैसे बेचारे को जैम बनाना आ जाए, अचार बनाना आ जाए, और बड़ी बड़ी स्किल्ड भी हैं, जहाँ झाड़ू बनाने वाले भी हमारे हैं, तो उनकी चीजों की किसी तरीके के साथ मार्केटिंग भी हो, तो ये सारी चीजें हैं, एक बड़े कंसर्टेड एफर्ट्स की जरूरत है। मैं समझता हूँ हमारे BDC DDC और जितने भी सारे लर्न्ड हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ये बैठ के एक कंक्रीट प्रपोजल, इसको रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के की डायरेक्शन में कोई काम हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका, जितने भी यहाँ मेहमान आए हुए हैं, उनका जहाँ पे बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और इस दरख्वास्त के साथ कि इसके ऊपर कोई कंक्रीट काम हो। बाकी हमारी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन होगी हम उसके लिए, हमारी क्योंकि शिव भगवान का यहीं पे वास था, यहीं से होते हुए वो अमरनाथ जाते थे, आजकल वो गुफा बंद है, अगर कोई पीर खो गया हो तो वो गुफा बंद कर दी गई है, तो यहीं पे शिव का जो वास रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसका एक तो टूरिज्म के इलाज हिसाब से इस एरिया को डेवलप किया जाए, इस रोड का भी वाइडनिंग की जाए, उस रोड की भी वाइडनिंग की जाए, क्लब्स बने हुए हैं सीनियर के लिए, उनको ये चेस और ये कैरम बोर्ड रिप्रेजेंट अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, थोड़ा सा गिफ्ट दे रहे हैं उनको, ताकि वो अपने लेजर टाइम में उसको एक मिनट सर, कैरम बोर्ड काम कर रहे हैं, मेरे हर डिपार्टमेंट है जो सभी काम कर रहे हैं, मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इनको मैं शाबाश देता हूँ, मैडम ये बहुत ही अच्छे हैं, दोनों बहुत ही अच्छे हैं। किसी का यार तुम लोग कैसे आदमी हो, हेलो पीछे हटो, इन लोगों का भी सेपरेट बस, सब पीछे हटो, यस मैम उनको देना, एक मिनट सुदीप सामने हो, मैं प्लीज सामने, थैंक यू मैम, और वीडियो साहब को भी ले लो, वीडियो साहब आप भी आ जाओ साथ में, सर सर ये सज्जन सर आ गए, गर्ल्स भी खेलती मैडम, पर वो ज्यादा स्कीपिंग मेरा बैड नहीं करी, कबड्डी गया था मैडम, हाँ मैडम एक लड़का हमारा, ये लड़का मैडम एथलेटिक्स में सेलेक्ट है स्टेट लेवल के लिए, इसका गोल्ड मेडल था जो योगा में भी, और इसने हाँ करवा दी, कबड्डी भी मैं कबड्डी भी खेलती थी, बैडमिंटन भी खेलती, हाँ मैम मैम, और एक लड़का और है वो अभी उधमपुर खेल के आया, गौरव 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 इधर आओ मैम, ये भी मैंने लड़का शाली कहाँ पे बेटा, शाली बुलाओ, शाली जल्दी आ दौड़ के बेटा, मैडम ये लड़का हमारा जूडो रेसलिंग दोनों में सिलेक्ट है, स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट है, जल्दी आएगा स्टेट लेवल, शाली जय गुरु, तुम बेटा कैप्टन आ जाओ, टीम चाहे कोई भी जीते।
ठीक है राजू बेटा सिलसिल मस्त है यहाँ मैम बहुत सारे बच्चे पहले नेशनल्स के लिए और मैंने जो रिसेंटली जो रिक्रूट मैच जो हुई है ना वो यहाँ के बच्चे आर मारी थे अभी भी रिसेंटली वो 24 बच्चे थे 25 बच्चे इस लड़के में अब चल रहे भी जाओ ना मैंने गाँव सारे पहुँचाए थे बच्चे एक बार तो मैडम 35 कोई दो दिन के अंदर 35 बच्चे मैंने सेलेक्ट हुए आज यहाँ के मैक्सिमम बच्चे यहाँ इसी ग्राउंड में ग्राउंड तो ये बहुत अच्छा है ग्राउंड के लिए थोड़ा सा है मैडम मेंटेनेंस का थोड़ा सा हम कर रहे हैं थोड़ा मुश्किल हो गया मैम यहाँ पे हम रेसलिंग भी करवा सकते हैं रेसलिंग के बच्चों के जूडो के हमारे जूडो मैडम यहाँ पे नेशनल के बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं बाकी वॉलीबॉल मैडम चलता है कबड्डी खेलते हैं बैडमिंटन का रिसेंटली मैडम पिछले साल बना है वही है मैम बच्चों के गाँव में थोड़ा सा मैडम अभी ये है कि जैसे इक्विपमेंट जो अभी रिसेंट जो है वो मतलब कि अभी डिमांड ज़्यादा है बच्चों को थोड़ा नहीं मिल पाता बच्चों लोग जैसे भी हम कोशिश करते हैं क्रिकेट वगैरह नहीं खेलते मैं खुद नहीं खिलाता क्योंकि और जो गेम है ना वो ज़्यादा जरूरी है मतलब गेम एथलेटिक्स है एथलेटिक्स से बाकी गेम सारे बच्चे भी फिट लग रहे हैं यहाँ पर कोई ओबेसिटी नहीं है सारा स्कूल में सारे बच्चे फिट हैं है ना पतले दुबले और फिट हैं बच्चे तो जरूरी बात हम दे आर स्ट्रांग ओ खाई 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 आप सब मोबाइल पर ठीक ठीक ठीक
किस तरह का अनुभव रहा, किस तरह के लोगों ने आपके सामने यहाँ क्षेत्र की समस्याएं रखी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। ये बैक टू विलेज फोर जो हमारी जम्मू कश्मीर सरकार की एक जो मुहिम है बैक टू विलेज फोर के अंतर्गत मैं मुझे यहाँ मौका मिला एरवा पंचायत में आने का, और बेहद खुशी की बात है क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक और देवनगरी कहा जाता है इस पंचायत को, और एक मॉडल पंचायत के रूप में है। और मुझे BDC DDC चेयरमैन और पंचायत मेंबर्स इत्यादि से मिलने का मौका मिला, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनसे मिलने का मौका मिला। तो ये एक नागरिक सहभागिता का एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है सिटीज़न एंगेजमेंट और आउटरीच का सरकार की ओर से, ये देखने के लिए कि जितने भी हमारे डिलीवरेबल्स हैं ग्राउंड पे, कितने डिलीवरेबल्स या जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, कितने चीज़ों की पूर्ति हो सकी है, कितनी चीज़ों की सैचुरेशन हो सकी है, चाहे वो हमारी जो स्कीम्स हों या लैंड पासबुक से रिलेटेड हों, स्किलिंग हो, ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में हो, जानकारी लोगों को है कि नहीं है, या फिर PM सेहत के तहत जो गोल्डन कार्ड्स दिए जाते हैं नागरिकों को, या फिर ये जो विभिन्न कार्यक्रम सरकार की तरफ से जो भी चलाए जा रहे हैं, चाहे वो पेंशन स्कीम्स हों, चाहे वो जल शक्ति विभाग के जो पानी की स्कीम्स हैं, इन सबको देख के समझने का एक मौका है। और यहाँ पे इसी के तहत मुझे यहाँ के गवर्नमेंट हाई स्कूल में भी ये मौका लगा आके देखने का कि किस तरह से खेलकूद पर अच्छा जोर दिया जा रहा है। सभी ने अपनी समस्याएं अपने सामने रखी, लेकिन ज़्यादातर यही बताया कि विशेषकर जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें अच्छी तरह से यहाँ पे, चाहे वो पेंशन की स्कीम हो, चाहे वो रोज़गार की हो, उसमें सैचुरेशन है। PM सेहत में भी लगभग यहाँ पे सैचुरेटेड है। तो एक तरह से एक ग्राउंड लेवल पे आके एक देखने का ये अवसर है कि किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है सरकारी स्कीमों का ग्राउंड लेवल पे, और अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो उनका निवारण किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे आपने खुद कहा अपने बयान में कि एक ऐतिहासिक महत्व का जो है क्षेत्र है कठुआ जिले का, आपको लगता है कि क्या कठुआ यहाँ पर जिस तरह की स्थितियाँ हैं क्या इनमें सुधार की संभावना है? बिल्कुल, एक ये बात रखी गई है कि टूरिज्म पोटेंशियल इस जगह का बहुत है, और क्योंकि इस में जो एरवा का जो शिव मंदिर है वहाँ पे विशेषकर बहुत श्रद्धालु आते हैं, तो इस तरह से डेफिनेटली एक स्कोप तो है इम्प्रूवमेंट का कि किस तरह से इस जगह को और बढ़ावा दिया जा सके, और टूरिज्म पोटेंशियल जो है पूरी तरह से इसको टैप करने के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा सकती है इस जगह के लिए। तो वो इन्होंने एक बात रखी है, और कहा गया है कि आगे इन्होंने रखी भी है वो बात, तो उसको ज़रूर मैं फॉलो अप हम करेंगे। जी मैम, जैसे कि ये एक बैक टू विलेज है और ये जिले का ऐसा क्षेत्र है जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर क्या कृषकों ने भी कोई अपनी समस्याएं रखी हैं, किस तरह? कृषकों में ये बताया गया है कि कृषि विज्ञान यहाँ केंद्र है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसको और बढ़ावा दिया जाने की शायद आवश्यकता है, पर उसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट विशेष तौर से यहाँ जो बताया गया है कि KCC कार्ड्स इत्यादि दिए जा चुके हैं, लगभग सैचुरेशन है, तो जो भी एग्रीकल्चर की ओर से भी जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, चाहे वो स्कॉस्ट की तरफ से कोई एग्री के बारे में टेक्निक्स के बारे में और जागरूकता की आवश्यकता एक सामने लाई गई है, उसको ज़रूर टेकअप किया जा सकता है। पर उसके अलावा ये बताया गया है कि KCC कार्ड वगैरह पूरी तरह से सैचुरेटेड है, पानी की यहाँ पे कोई समस्या एज सच नहीं है, क्योंकि मतलब इस एरिया में पानी भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि जो भी जिस हिसाब से भी बताया गया, एग्रीकल्चर प्रधान तो है ये क्षेत्र, लेकिन थोड़ी बेटर मार्केटिंग और रिसर्च के ऊपर बल दिया जा सकता है। मैम, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या मदद रहेगी लोगों को? IT डिपार्टमेंट सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आज की डेट में 225 ऐसी सेवाएं हैं जो ऑनलाइन कर दी हैं, और यहाँ पे जो CSC या खिदमत केंद्र हैं, बताया गया है कि वो पासी के गांव में खिदमत केंद्र भी है, जो यहाँ पे भी आके आपके CFC में भी कैंप लगाते हैं, और जिनके तहत ऑनलाइन सेवाएं लोगों को दी जा सकती हैं, और ऑनलाइन लोग सेवा के लिए खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा एक ई-उन्नत का पोर्टल है जिसमें 70 के करीब ऐसी ऑनलाइन सेवाएं हैं जिसको लोग घर बैठे अपने मोबाइल से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और मतलब इंटरनेट के माध्यम से भी उन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। एंड टू एंड ये ऑनलाइन सेवाएं हैं, आप अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हैं, पेमेंट भी उस सेवा की, अगर उसमें कोई पेमेंट है वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और आपको उस जो प्रमाण पत्र या जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हो सकता है। तो इस विषय में मुझे लगता है थोड़ी लोगों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, और कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस एक अच्छा माध्यम है यहाँ आके लोगों को बताने का कि आप घर बैठे भी बिना दफ्तर के चक्कर लगाए सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। इससे पहले 3 बैक टू विलेज हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में एक शिकायत है कि इन बैक टू विलेजों का कोई खास उनके क्षेत्र में लाभ नहीं हुआ है, इस तरह इस बार के जो बैक टू विलेज होगी उसकी क्या रूपरेखा होगी कि लोगों को उसका लाभ प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे?
इसमें एक यही है कि एक एक तरह से एक ये बैरोमीटर ही है आंकने का कि किस तरह की प्रगति हुई है, किस तरह के कार्यों में पूर्णता आई है, और अगर नहीं आई है तो किसी कारणवश नहीं आई। यहाँ पे हम कोई फॉल्स अश्योरेंस तो नहीं देंगे, पर साथ में ये ज़रूर देखेंगे कि अगर जो कार्य क्रियान्वित हो रहे हैं किस लेवल पे, कोई अगर बॉटल नेक है तो उसको किस तरह से हटाया जा सकता है, और साथ ही बेसिकली लोगों के बीच में आके आउटरीच के तौर पे सभी के साथ बैठ के मिलजुल कर एक लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं उनको समझने और उनका जो समाधान हो सकता है, अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन, और साथ ही ये देखने का कि जो चीज़ें किसी बॉटल नेक के कारण अगर क्रियान्वित नहीं हो पा रही और अप्रूव्ड हैं तो उसमें किस तरह से गति लाई जा सके। आज आपके कार्यक्रम में जो बैक टू विलेज की जो है पहल शुरू हो गई है, आज प्रेरणापुरी जी आई हैं लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, किस तरह का अप्रोच आप देखते हैं, क्योंकि पिछले 3 बार के बैक टू विलेज का को लेकर लोगों में खुशी नहीं है आज। जय भीम जय भारत। सबसे पहले तो मैं प्रेरणा मैम का यहाँ पे अपने एरवा पंचायत में और हमारे जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि बैक टू विलेज 4 का ये जो कार्यक्रम है इसमें आज ये पहला जो कार्यक्रम है वो हमारे कठुआ से और मेरी एरवा पंचायत से शुभारंभ हुआ है, तो मैं इसको एक पॉजिटिव थॉट लेके चलूँगा कि हमारे आने वाले टाइम में हमारे लोगों को, हमारे नगरी के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा लेकर आए। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो बैक टू विलेज 1, 2 और 3 में जो काम नहीं हो पाए हैं या जो लोगों को अभी तक यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनसे एक गिलानी थी कि यहाँ पे लोग सिर्फ अफसर आते हैं, काम लिखते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड ड्रीवर नहीं करते। इस बार बैक टू विलेज 4 में मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जितने भी अफसराना हैं जो 1, 2, 3 में काम रहे हैं हम उनको प्राथमिकता देके लोगों को डिलीवर करें, ताकि आने वाला जो भी प्रोसेस रहेगा जो ऑफिसर बाहर से आते हैं उनको यहाँ पे लोगों की तरफ से जो शिकायतें हैं वो ना मिले। और लोगों के बीच में अभी तक जो होता था कि बैक टू विलेज जब होते थे या प्रोग्राम्स होते थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बुला के ऑफिसर्स को बिठा के जो बाहर से अफसर आता था उसको दिखा दिया जाता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने लोगों की जो जनसंख्या है, जो लोगों की भागीदारी है उसको बढ़ाया है और कोशिश करी है कि लोग हर एक जो कॉमन पर्सन है वो आने वाले हमारा इंटेलेक्चुअल से हमारे जो बाहर से आईएएस अफसर आए हैं या फिर जो भी इसको टेकअप करने आए हैं उनसे वो मिलके बात करें और जो ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम है उसको उन तक पहुंचाएं। सर, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका पर एक दायित्व बनता है कि सरकार के प्रतिनिधि जो यहाँ आते हैं लोगों की समस्या सुनने के लिए वो ऐसा ना हो कि सिर्फ समस्याएँ सुनकर चले जाएँ, उन पर अमली जामा पहनाया जाए, तो उस तरह के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, हम लोग आज जो मीटिंग हो रही है, जो कुछ प्रोग्राम चलेगा इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाए जाएंगे, एक कॉपी डीसी साहब के पास जाएगी, एक हमारे पास रहेगी और एक जो ऑफिसर यहाँ पे सुनने आया है एक उसके पास रहेगी। उसके अलावा जो हमारी पंचायतें हैं या जो लोग हैं हम उन तक वो पॉइंट्स देंगे कि किस किस आदमी ने क्या क्या पॉइंट दिया है और उसका टाइम टू टाइम संज्ञान लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी जो भी पॉइंट्स आए और जो जेन्युइन डिमांड्स रहेंगी वो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका टाइम रहते उनका समाधान किया जाए। और अगर कोई ऐसा डिमांड है जो यहाँ पे हमारे लेवल पे या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं पूरी हो सकती उसको फर्दर टेकअप करा जाएगा। जनप्रतिनिधि होने के नाते किस तरह की जो मुख्य समस्या होगी जिसकी आप उम्मीद करेंगे कि इस बैक टू विलेज के दौरान लोगों की इस नगरी में समस्या का समाधान पूरी तरह से हो जाए? देखिए, नगरी में जो सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं वो है रोड वाइडनिंग की। हमारे यहाँ पे जो रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं जो इंटरनल विलेजेस को जोड़ते हैं, बैक टू विलेज की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं विलेज के इंटरनल रोड्स की बात करूंगा, जो इंटरनल रोड्स हैं उनकी वाइडनिंग का काम है। और जो लोगों के खेत हैं खेतों के जो साइड्स पे टो वॉल हैं, जो जब हमारे यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ पे उज का जो रिवर है उसका बैंक है, तो उसकी वजह से जो फ्लड की वजह से या फिर जो नाले हैं उनको चैनलाइज करने के लिए उनको लोगों को जो रोज़मर्रा की जैसे मंडियां हैं उनके लिए जो हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे लोगों को वो चीज़ें डिलीवर की जाए ताकि यहाँ के जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो यहाँ की कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। थैंक यू, धन्यवाद। नगरी मेरा गाँव है और एरवावती मंदिर कमेटी जो है उसकी जिम्मेदारी हमारे पास है, मेरे साथ हमारे कमेटी मेम्बर महेंद्र पाल जी। आज एरवा पंचायत के अंदर जो बैक टू विलेज प्रोग्राम था जिसमें काफ़ी अफीसरान ने शिरकत की और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफीसर्स, ब्लॉक के तहसीलदार साहब और इनकी क़यादत जो थी वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैडम कपूर जी, शायद मैडम सेठी या कपूर कोई इनमें से था, मैडम प्रेरणा पुरी, उन्होंने अध्यक्षता की। काफ़ी हमारे डीडीसी, बीडीसी भी सारे वहाँ पे बैठे हुए थे
तो जो पूरी डिस्कशन का जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो हमारी तरफ से वहाँ पे जो बात रखी गई, क्योंकि हमारा मेन पिछली बार बैक टू विलेज में भी हमने ये बात उठाई थी कि ये जो रोड कनेक्टिविटी है, ये हमारा हिस्टोरिकल टेंपल है मंदिर एरावती टेंपल, और यहाँ पे फुटफॉलिंग इतनी है कि जब सोमवार की अमावस्या होती है, शिवरात्रि होती है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि रोड वाइडनिंग अभी तक नहीं हो पाई। तो ये एक इसका DPR बना भी था लेकिन किन्हीं वजूहात से फिर वो स्कटल हो गया। तो हमने उनको ये दरख्वास्त की है कि इसको प्रायोरिटी के ऊपर लिया जाए। इसके साथ साथ रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर बड़ा फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और वहाँ के एक प्रसाद करके एक स्कीम है जो कि प्रमोशन ऑफ ये रिलीजियस टूरिज्म के लिए स्पेसिफिकली बनी हुई है। इसके कंटेक्स्ट में हमने ऑलरेडी मुतल्लिका महकमा से बात की है, लेकिन चूंकि आज के महकमे सारे वहाँ पे थे, हमने फिर उनको आज एक बड़ी मतवाना दरख्वास्त की कि आप इस चीज़ को उठाएं ताकि प्रसाद स्कीम के अंदर ये जो हमारा एरिया है रिलीजियस टूरिज्म की डेवलपमेंट हो, जिसमें हमारी यहाँ पे नगरी के अंदर बाला सुंदरी माता है और एरावती टेंपल, क्योंकि एक बात आ रही है और स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट की नज़र में है कि एक शिव सर्किट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थापित हो रहा है, क्योंकि ये हिमालयन स्टेट है। तो लखनपुर से सबसे पहला शिव मंदिर जो है उस सर्किट में एरावती को प्रपोज किया गया है, उसके बाद परमंडल है, परमंडल के बाद शुद्ध महादेव है, शुद्ध महादेव के बाद ये जो अमरनाथ यात्रा से होकर जो यात्रु है वहाँ से होके शिव खोड़ी से होके तो पंच वक्तर मंदिर जम्मू के अंदर इनका ये जो एक सर्किट बना है इसको तेजी के साथ एडवांस एक्टिवेट किया जाए और एरावती जो है उसके उस सर्किट में रखा जाए। तो टूरिज्म मैप के अंदर हमारे यहाँ पे एक और हमने प्रपोजल उनको दिया कि रूरल स्टे होम, तो क्योंकि ये बड़ा पसमानदा इलाका भी है लेकिन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे वाटर सोर्सेज बड़े अच्छे हैं, यहाँ पे 10-15 फीट के ऊपर पानी निकलता है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा हिस्टोरिकल पॉन्ड है। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी ब्यूटिफिकेशन भी हो और ख़ास करके योग संस्थान जैसी ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट ऑफ लिविंग जैसी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आके, क्योंकि हाई एनर्जी एरिया है, ख़ास करके ये जो माता, ये जो वैष्णो अपना एरावती टेम्पल है, बहुत अच्छी एनर्जी इस जगह पे है, यहाँ पे आके ये जो संस्थाएं अपना कैंप लगाएं, एक मेडिटेशन हॉल बने, तो इस डायरेक्शन में लोगों को भी रोज़गार मिले, टूरिज्म भी डेवलप हो, रूरल स्टे होम भी बने, और इस कंटेक्स्ट में इसको डेवलप करने के लिए जो आधार है रोड की वाइंडनिंग हो, ये बातें हमने वहाँ पर उठाई। इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमारा ये बड़ा पसमानदा एरिया है और बड़ी गरीब और बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पे लोग रहते हैं, विशेषकर हमारी महिलाएं, तो उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए मैंने आज एक बात यहाँ पे ज़रूर उठाई, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंडेट है कुछ डिपार्टमेंट्स के पास स्किल डेवलपमेंट करवाना, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी जिसमें लेडीज़ को सिखाया जाए कि जैम कैसे बनाया जाता है, अचार कैसे डाले जाते हैं, उनका एक मार्केटिंग का भी स्कोप बने, तो ये सारी चीज़ें आज हमने मैडम के सामने रखी हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसके ऊपर प्रायोरिटी पर काम किया जाएगा। जिस तरीके नॉक करें, सिर्फ बिना मतलब के खाम खाम में एप्रिसिएशन से ही सारी बातें नहीं चलती हैं, जहाँ पे अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है वहाँ पे सरकार को अप्रिशिएट भी किया जाए, ऑफिसरान को अप्रिशिएट भी किया जाए, लेकिन जहाँ तक ग्राउंड के ऊपर काम की बात है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। देखा गया है कि नगरी जो तहसील है वो पूरी की पूरी ग्रामीण क्षेत्र से वाली है, और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो संसाधन होते हैं मुख्यतः लोगों के, वहाँ पर वहाँ खेती सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, और उसके देखा जा रहा है कि यहाँ संसाधन। देखिए बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपने की, एग्रीकल्चर एरिया है, मैंने आपको यही कहा कि आजकल जो बड़े सीमांत किसान हो गया है, मार्जिनल फार्मर्स रह गया, जिसकी 5 किले जमीन थी आज उसके 5 भाइयों में बंट के 8-8 कनाल 6-6 कनाल आ गई है, इसके लिए एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात है कि एग्रीकल्चर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया, जिसमें हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, जिसमें फ्लोरिकल्चर आ जाए, सिर्फ मक्का के ऊपर या सिर्फ मुंजी के ऊपर, वीट के ऊपर, इनके ऊपर ही फोकस करने से इनकम जनरेट नहीं होगी। उसी के लिए उसी बात को आज हमने उठाया कि जो हमारी एग्रीकल्चर वुमेन है उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, लोगों को सिखाया जाए कि फूल उगाए जाएँ जहाँ पे, और वेजिटेबल्स उगाए जाएँ, हॉर्टिकल्चर्स के ऊपर प्रमोट किया जाए, ताकि डाइवर्सिफिकेशन होगी तो इनकम जनरेट होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस भी है। तो इसलिए आज मैंने आपके सामने ये बात वहाँ पे रखी हुई कि कृषि विज्ञान केंद्र
जिसके पास ये मैंडेट है स्किल डेवलपमेंट देने का, तो हमारा ये पसमानदा एरिया है, मुझे लगता है कि वो भी डिपार्टमेंट एक्टिवली लोगों को इन्वॉल्व करेगा और हमारे लोगों के यहाँ के अशिक्षित महिलाएं हैं चाहे बच्चे हैं उनको उनके जीवन सुधार भी होगा और उनको परिपक्व किया जाए किसी न किसी क्षेत्र के अंदर। तो ये बातें आज सामने उठाई हैं और मैं आशा करता हूँ कि इसके ऊपर जोर से काम होगा और लोगों को कोई ना कोई इसका बेनिफिट मिलेगा। सर, सैनिटाइजेशन की बात की जाती है कि विलेज को सैनिटाइज किया जाए, लेकिन जब देखा जाए इन क्षेत्रों की हालत खस्ता है, हालांकि अभी तक डस्टबिन भी इन क्षेत्रों को प्रोवाइड नहीं हुए हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि स्वच्छ भारत की बात की जाती है। देखिए, एक मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जैसे उन्हें फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम दी है कि हर घर में शौचालय होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो गया। अब सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है लोगों को भी। मैं सुबह जब निकलता हूँ एरवा की तरफ जाता हूँ, आज भी लोगों को खुले में जाने का शौक है, घर में बनाया भी है सरकार की तरफ से, तो लोगों को सिविक सेंस देने की भी ज़रूरत है। मैं लोगों को भी ये अपील करना चाहूँगा कि अपनी आदतों को भी बदलिए और जब तक आप अपने खुद अपने अंदर ये चीज़ें डेवलप नहीं करोगे तो इसका रिजल्ट जो है वो ज़मीन के ऊपर नहीं सुधरेगा। जिनके घर में फ्लश है भी है, गवर्नमेंट ने अवेलेबल भी करवाई है, लेकिन वो भी ओपन में जा रहा है। हम सब लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है, विशेषकर PRIs की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को सेंसिटाइज किया जाए कि खुले में जाने से कितनी तकलीफ होती है। और ये मैं नहीं समझता कि सिर्फ एजेंसीज के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होके ही आप ये जो सफाई रख सकती हैं। जब तक हम खुद कंट्रीब्यूट नहीं करें, भारत का प्रधानमंत्री खुद जब झाड़ू लेके चलता है तो वो सिर्फ ये नहीं है कि वो खुद सफाई कर रहा है, एक सिंबॉलिक है कि टॉप टू बॉटम हर एक जन जागरण अभियान हो, हर बंदा सफाई की जगह सफाई के ऊपर पूरा ध्यान दे। मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, मैं कहाँ पे, हम गाड़ी में चल रहे हैं, संतरा छिलके बाहर फेंक रहे हैं, ये सारी एक सिविक सेंस हम लोगों में होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस लाइन पे अगर चला जाएगा तो डेफिनेटली जो है भारत एक सुंदर देश बनेगा। डेफिनेटली सरकार की कुछ कमी है तो वो टाइम रखते हुए वो भी इम्प्रूव हो जाएंगी। लोगों को इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना बड़ा ज़रूरी है। धन्यवाद।